हाय गाइस, मुंबई का लोखंडवाला पूरी तरीके से तैयार है अपने गणपति जी के स्वागत के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गणपति जी की बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही सुंदर थी, और ये सारी की सारी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे वहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे एक ह्यूज वाला भी था, मैं दिखाती हूँ, ये है वो ह्यूज वाला, बहुत ही अच्छा था। और मार्केट पूरी तरीके से डेकोरेटेड है, फ्लावर्स हैं, लाइट्स हैं, और बहुत सारी डेकोरेशन की वेराइटीज़ है जिसे आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। गणपति जी को सजाने के लिए भी बहुत सारी ज्वेलरी आई हुई है, उनके ऑप्शंस आए हुए हैं। आप यहाँ आओ और देखो कितना सुंदर लगा हुआ है यहाँ मार्केट। ये देखिए ज्वेलरीज के कुछ आइटम्स, मैं ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, आप आकर के खुद ही देख लो। यहाँ पे शॉप्स भी पूरी तरीके से डेकोरेटेड है, मेहंदी लगाने के लिए साइड में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी फीमेल्स मेहंदी लगा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ का। फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं कपड़ों के। गणपति जी के स्वागत के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और अभी वो बन ही रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे लाइट्स लगी, अभी ऑन नहीं है, और ये पंडाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने और ब्रांड ने मिलकर के बनाया। चलो इसके अंदर चलते हैं, इसका थीम देखते हैं। पिंक एंड वाइट इस पंडाल का थीम है। यहाँ पे गणपति जी का फेस कवर्ड था इसलिए हम यहाँ पे इनका दर्शन नहीं कर पाए, और फिर मैं निकल गई बैक रोड के जॉगर्स पार्क में। ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। चलो इसका थीम देखते हैं, इसका थीम क्या है। और ये देखिए लाइट्स, और इसका थीम है हमारा नेशनल फ्लैग।